ये पेड़ के तने के बीच में प्रकट हुई है। ये जामुन का पेड़ है, सूखा हुआ, बाहर से हरा पेड़ है। अच्छा अच्छा। पेड़ के तने के बीच में प्रकट हुई है। अच्छा जी। आज से 35-40 साल पहले, लगभग 35-40 साल पहले हमारे कुछ चाचा जी हैं श्री गोपाल सड़ोत्रा जी, उनको सपने में देखी थी मूर्ति। सपने में? हाँ जी हाँ जी। तो उसके बाद ये माता का मंदिर बनाया, मंदिर का निर्माण किए हुए 15-16 साल हो गए जो माता का यात्रा चल रही है, और माँ के चरणों से जो जल चल रहा है। ये जामुन का पेड़ देख रहे हैं, जामुन का पेड़। हाँ अच्छा, यहाँ पर तो ये है। इस पेड़ के अंदर नाग नागिन के जोड़े हैं। अच्छा जी। कभी कभी दर्शन होते हैं। अच्छा, पेड़ के अंदर ही जाते हैं। अच्छा। और माता रानी के खास दर्शन ये है कि अलग अलग मूर्ति के जो रूप हैं चेंज होते हैं, बदलते रहते हैं, रंग बदलते हैं। अच्छा जी। कभी ब्राउन रंग में है, कभी कभी लाल रंग हो जाता है, कभी नीले रंग में होते हैं, अलग अलग रूप चेंज होते हैं। इस वक्त कौन सा रंग है इसका? अभी ब्राउन थोड़ा रंग है, ब्राउन थोड़ा लाल लाल है, इसमें पूरा लाल शेड हो जाती है, लाल भी होती है। हाँ, पूरा नीले रंग में भी हो जाती है। अच्छा। तो हर महीने के पहले आतवार को भंडारा होता है। अच्छा जी। तो उधमपुर से कितनी दूर है? उधमपुर से लगभग 3 किलोमीटर, जो कि 2 किलोमीटर जो गाड़ी पर है और 1 किलोमीटर पैदल चढ़ाई है। सड़क क्यों नहीं बनती है यहाँ पर? गाँव का नाम भी शारदा ही है। सड़क के लिए अप्रोच किया आपने? सड़क के लिए बोला है, लेकिन बोल रहे हैं लग जाएगा अभी काम। 10-15 साल से ऐसे ही देख रहे हैं, हर जो सरकार आती है बोलती है लग जाएगा, लेकिन इस बार उम्मीद है हमें लग जाएगा। लोग पैदल आते हैं, पैदल जाते हैं? हाँ जी। यहाँ प्रसाद चढ़ाया जाता है? क्या प्रसाद? प्रसाद माता रानी का, गुड़ का प्रसाद, नारियल भेंट होती है, जो भी अच्छा इच्छा अनुसार जो चढ़ाए माता सबका। अच्छा जी। और भी साधु संत रहते हैं जहाँ पर? नहीं, इस तरह से शिव मंदिर बनाया है, इसमें साधु वहाँ पर रहते हैं। आप जहाँ ही रहते हैं? लोकल है? 15-16 साल हो गए माता की सेवा करते हुए। अच्छा जी। मेरा नाम पंडित अखिल शर्मा है। अच्छा जी। जहाँ ही रहते हैं आप? हाँ जी। नहीं, सुबह आते हैं, शाम को चले जाते हैं। पानी का क्या है जहाँ पर? पानी नेचुरल है? पानी माता के चरणों का जल है, जो सारे गाँव की व्यवस्था यही जल है। ठीक है। गाँव की व्यवस्था ये सारे गाँव वाले यही पानी पीते हैं? जी जी। पीएफसी का कोई वो नहीं है? कोई नहीं है पीएफसी का, जरूरी है, पानी की बड़ी दिक्कत है इस गांव में। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय माता। मैं यूट्यूब पर डाल सकता हूँ? जय माता। थैंक यू वेरी मच। ओके सर।